साल 2019 की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को पंजाब केसरी परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2019 का पहला महीना कई मायनों में खास है, क्योंकि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट बहुप्रतीक्षित अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद और जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष दर्जा व पुनर्वास कानून की वैधानिकता जैसे बड़े मामलों पर सुनवाई करेगा और कोर्ट इसके साथ ही इसी माह सीबीआई में घमासान के बाद निदेशक पद पर कामकाज छीने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला भी सुना सकता है। राफेल फैसले में संशोधन की मांग वाली सरकार की अर्जी पर भी सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट गत 17 दिसंबर को सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया था, हालांकि कोर्ट की रजिस्ट्री खुली थी जिसमें मामले दाखिल होते रहे। इसी बीच सरकार ने भी राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे की सीबीआई जांच की मांग खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ तकनीकी सुधार की मांग वाली अर्जी भी दाखिल की थी। छुट्टियों के दौरान ही कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट से सिख विरोधी दंगों में सुनवाई गई उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सजा भुगतने के लिए 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि अदालत खुलते ही सज्जन कुमार की ओर से तत्काल राहत की गुहार लगाई जाएगी। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद वैसे तो 4 जनवरी को सुनवाई के लिए लगा है, लेकिन इस दिन मुख्य मामले की सुनवाई की तिथि तय होने पर ही सुनवाई होने की उम्मीद है। हालांकि अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई और सघन देने का कारण बताने की मांग वाली अर्जी भी सुनवाई पर लगी है। हो सकता है कि कोर्ट उस पर भी कोई आदेश दे। जम्मू कश्मीर पुनर्वास कानून 1982 को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने पिछले सुनवाई पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया था। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा जनवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे निदेशक पद का कामकाज छीनने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, जिसके इसी माह आने की उम्मीद है। एक बार फिर पंजाब केसरी परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।